नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नव भारती परिवार में नव भारती स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर प्रेमलता अब आपको आपकी साइकोलॉजी की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी की डेफिनेशंस बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनको याद करने में थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करना पड़ता है, उनको रटके नहीं, उनको सोच समझ के याद रखना पड़ता है। तो मैं आपको कुछ डेफिनेशन लेके नई ट्रिक के साथ कि आपको इन डेफिनेशनों को एक ट्रिक होगी मेरी बनाई हुई, जिसके माध्यम से आप उनको छह डेफिनेशन को एक साथ याद कर सकते हैं। इसी ऐसे तरीके की ट्रिक मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, रीट की वैकेंसी बहुत जल्दी ही आपके जो प्रतियोगिता परीक्षा है नीट की, वो होने वाली है। इसके लिए आप तैयार हैं। मनोविज्ञान एक ऐसा पार्ट है जो आपके बनने वाले शिक्षाविद जो होते हैं उनके लिए ये बहुत ही जरूरी होता है। क्या? साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान को जानना। मेरी अभी पहली वीडियो में मैंने आपको मनोविज्ञान क्या है उसके बारे में कुछ चीजें आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसी चीज को अपना आधार बनाते हुए आज मैं यहाँ पे आपको अधिगम यानी कि जो ये होता है आपका मनोविज्ञान साइकोलॉजी जो है इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम छह डेफिनेशंस जो महत्वपूर्ण हैं, जो प्रत्येक प्रतियोगिता में पूछी ही जाती है, इस तरीके की डेफिनेशन लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पहली डेफिनेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसकी, वो है वाटसन की। वाटसन, मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है। अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन इन डेफिनेशनों में से ही ये आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आप याद नहीं रख पाएंगे। इसके लिए मैं इन्हीं में से कुछ कीवर्ड ढूंढते हुए एक शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बताऊंगी, जिससे आप छह डेफिनेशन एक साथ याद में रख सकते हैं। इन छह डेफिनेशन में से कंफ्यूज करने वाला एक जो शब्द है वो है व्यवहार। व्यवहार आपके प्रत्येक डेफिनेशन में आएगा। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप इस वीडियो पर पूरे लगातार बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप मेरा वेट करते रहिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है, ये किसने कहा है? वाटसन। नेक्स्ट आ जाता है वुडवर्थ ने क्या कहा है। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। व्यक्ति की प्रक्रियाओं का कैसा अध्ययन है? वैज्ञानिक अध्ययन। नेक्स्ट आता है तीसरी डेफिनेशन जो हमारी है वो यहाँ है कि स्किनर। देखिए स्टूडेंट, स्किनर की डेफिनेशन ओनली फॉर मनोविज्ञान के व्यवहारवादियों में ही नहीं, ये आपके पूरे मनोविज्ञान के अंदर घूमती रहेगी। तो इसको अलग अलग तरीके से याद रखना बहुत ही कठिन कार्य है। तो स्किनर की जो डेफिनेशन है वो आप बहुत सारी याद करिएगा, लेकिन इस ट्रिक में व्यवहारवाद में जो आपका जी स्किनर की जो डेफिनेशन है मनोविज्ञान में वो आपके सामने मैं बता रही हूँ कि स्किनर मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अनुभव कराता है। अर्थात मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्टूडेंट्स, आप इन छह डेफिनेशन को यहाँ अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं इनको रेज करते हुए सिर्फ इनके कुछ कीवर्ड लूंगी और फिर मैं आपके सामने अपनी लैंग्वेज से बनाया हुआ एक ट्रिक यहाँ पे आपके सामने लिखूंगी, तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मन। मन है, उन्होंने आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से बताया है। किससे बताया है? मनोविज्ञान का, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से बताया है। नेक्स्ट आता है क्रो एडम को, ये भी वैज्ञानिक है, इनकी भी आपको जगह जगह पर डेफिनेशन देखने को मिली। सब यूं तो सबकी डेफिनेशन आपको प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलेगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आपकी यहाँ में लेकर के उपस्थित हूँ। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट आता है मैकडूवल। मैकडूवल है, वो बोलते हैं कि मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। ये हमारी
छह डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। और मैडम आप सोच रहे होंगे मैडम आपने तो बोल दिया लेकिन हमें तो याद नहीं हुआ। याद करने की ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये छह जो छह आपकी डेफिनेशन है इनमें से कीवर्ड हम यहाँ पे लेते हैं। व्हाट्सएप का जो व्हाट्सएप ने जो बोला है उसका हम कीवर्ड लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे? निश्चित। हमने क्या ले लिया? निश्चित। और उसका ले लिया हमने, इसका क्या ले लिया हमने? वैज्ञानिक। व्हाट्सएप का निश्चित ले लिया और इसका हमने ले लिया वैज्ञानिक। स्किनर का हम क्या लेंगे यहाँ पे? स्किनर का ले लेंगे हम यहाँ पे अनुभव। वन टू एंड थ्री, तीन कीवर्ड लिए हैं तीन डेफिनेशन से। चौथा कीवर्ड हम यहाँ पर ले लेंगे वैज्ञानिक खोज। मन का वैज्ञानिक खोज। वन टू थ्री फोर, चार हुई। पांचवी हम ले लेंगे यहाँ पे कि संबंधों का अध्ययन। क्या था? संबंधों का अध्ययन। और लास्ट है मैट्यूकल की परिभाषा में से हम लेंगे तो क्या लेंगे? जीवित वस्तुओं, जीवित वस्तुओं वस्तुएं ही लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने क्या लिया अभी, हम इन वर्ड को यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला हमने क्या लिया? निश्चित लिया। फिर देखिए मैं लिख लेती हूँ निश्चित पहला कीवर्ड। सेकेंड कीवर्ड हमने क्या लिया है यहाँ पे? वैज्ञानिक। थर्ड हमने यहाँ पे क्या लिया है? थर्ड हमने लिया है अनुभव, अनुभव। फोर कीवर्ड हमने यहाँ से क्या लिया है? चौथे में से लिया है हमने वैज्ञानिक खोज, वैज्ञानिक खोज। और पांचवा कीवर्ड हमने यहाँ पे क्या लिया है? संबंधों का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन। और छठा हमने लिया है मैग्नीफाइड की जीवित वस्तुओं, जीवित वस्तुओं का व्यवहार, जीवित वस्तुएं वस्तुओं। हमारे यहां कितनी डेफिनेशन है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स डेफिनेशन है, सिक्स कीवर्ड। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कीवर्ड हमने यहाँ पे ले लिए हैं। अब स्टूडेंट्स आपको हमको एक ट्रिक यहाँ पे बनानी होगी। उस ट्रिक के माध्यम से हम जैसे व्हाट्सएप ने मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान माना, वुडवर्थ ने मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन माना, स्किनर ने मनोविज्ञान, स्किनर ने डायरेक्ट आप याद कर लीजिए कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभवों का विज्ञान है। नेक्स्ट हमने माना मन में आधुनिक विज्ञान मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। क्रोएल ने मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मैक्रोवेल ने मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का अध्ययन है। मैं आपसे फिर से एक बार फिर से बोलना चाहती हूँ कि आप इनको नोट कर लीजिए कि मैंने जो ट्रिक बनाई है वो वाकई में इन्हीं डेफिनेशन में से है या नहीं। इस चीज का मूल्यांकन करने के लिए मैं फिर से कह रही हूँ कि आप इसको इन छह डेफिनेशन को आप उतार लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स अब हम ट्रिक बनाने वाले हैं। क्या एक ट्रिक बनाएंगे हम, उससे हम इन छह डेफिनेशन को याद करेंगे। तो वो ट्रिक हमारी होगी कि निश्चित वाक्य द्वारा। ट्रिक हमारी होगी कि निश्चित वाक्य द्वारा वैज्ञानिक वुड ने स्किनर के को अनुभव दिया, फिर क्या किया? जिससे मन ने खोज की, क्रोएल ने संबंधों का अध्ययन किया और मैकडूगल ने जीवित वस्तुओं को जाना। इस तरीके की डेफिनेशन हम यहाँ पे, इस तरीके की ट्रिक यहाँ पे हम लेकर के उपस्थित हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि निश्चित वाक्य द्वारा। क्या? निश्चित, निश्चित वाक्य द्वारा लिखते हैं। क्या हमारी जो ट्रिक है? निश्चित वाक्य द्वारा। निश्चित वाक्य द्वारा क्या था? निश्चित वाक्य द्वारा था वैज्ञानिक, निश्चित वाक्य द्वारा वैज्ञानिक गुण ने
वैज्ञानिक बुड ने निश्चित वाद द्वारा वैज्ञानिक बुड ने स्कीनर को अनुभव दिया, स्कीनर को अनुभव दिया। इसके बाद आ जाता है हमारा कि जिससे मन ने खोज की, जिससे मन ने खोज की, मन ने क्या किया, मन ने खोज की क्रो एंड क्रोड़े संबंधों को जाना, क्रो एवं क्रो ने संबंधों को जाना, क्रोन क्या किया, संबंधों को जाना, और मैकडूवल ने जीवित वस्तुओं को जाना, यानी क्रो एंड क्रो ने संबंधों का